अस्सलाम वालेकुम, TKD में खुश आमदीद। तो भाई आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग फैंटा के इस गेमिंग माउस की, जो कि है X11 डेवर डेवल। तो आओ यार करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। वैसे तो ये कंपनी रिसेंटली आई है पाकिस्तान में, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं किस तरह का ये माउस और क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते और आओ यार करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग को। ये है बॉक्स हमारे फैंटेक के गेमिंग माउस का। और अगर बॉक्स की बात की जाए तो बॉक्स के ऊपर मेंशन है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, और बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक थैंक यू कार्ड, और साथ में मौजूद है इसकी रबर ग्रिप्स जो कि आप इसके नीचे लगा सकते हो, और साथ में आता है हमारा प्यारा माउस। और माउस के ओवरव्यू की बात की जाए तो माउस के ऊपर देखने को मिलता है हमें एक फैंटेक का लोगो, जिसके ऊपर चलेगी बड़ी मजे की RGB, और इसके साथ इसकी जो RGB की लाइट्स हैं वो इसके नीचे भी मौजूद है, और साथ इसके स्क्रॉल व्हील के ऊपर एक पतली सी लाइन को ऐड किया गया है जिसके अंदर हम लाइट्स वगैरह कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए माउस की, तो माउस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं 3 बटन्स, और ऊपर वाली साइड पे 2 बटन्स को ऐड किया गया है, और ये सारे बटन कस्टमाइजेबल हैं इसके सॉफ्टवेयर से। और इसी के साथ अगर इसके ऑल ओवर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और साइड के ऊपर हमें देखने को मिलता है इसके एक रबर और मेटल की ग्रिप जो कि काफ़ी अच्छी है। और अगर आपके हाथ बड़े हैं लाइक मेरी तरह, तो आप इसे काफ़ी मज़े से इस्तेमाल कर सकते हो, और मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस काफ़ी मज़े का रहा है क्योंकि मैं इसे 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और बाकी अगर कुछ टेक्निकल फीचर्स और उससे पहले इसकी वायर की बात की जाए, तो वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी वायर को इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, और आपको कोई इसके अंदर जो आप कह लो कि कोई मसला वगैरह नहीं आता माउस को हिलाने के अंदर। तो वायर काफ़ी अच्छी इस्तेमाल की गई है और काफ़ी मजबूत है, और लेंथ भी इतनी कोई ख़ास छोटी नहीं है, काफ़ी अच्छे साइज़ की इसके अंदर वायर को यूज़ किया गया है। और अगर बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर आता है ऑन बोर्ड मेमोरी, यानी कि आप जो अपनी सेटिंग्स वगैरह करोगे वो इसके अंदर सेव हो जाती है, और आप इसके अंदर डिफरेंट मोड्स वगैरह को सेव कर सकते हो, और बाय एक क्लिक इसके सॉफ्टवेयर से आप अपनी डिफरेंट जो मोड्स वगैरह हैं उसको एक्टिवेट कर सकते हो माउस के अंदर। इसके साथ हैं डिफरेंट RGB मोड्स वगैरह, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, किसी भी कलर को इसके अंदर ऐड कर सकते हो, 16 मिलियन कलर्स हैं इसके अंदर। और इसके साथ जो सेंसर यूज़ किया गया है वो है PixArt का सेंसर, यानी कि जो आपका सेंसर है वो काफ़ी कमाल का है, क्योंकि PixArt के सेंसर अगर कोई गेमर है तो उसे पता होगा कि PixArt के सेंसर किस तरह के हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए इसके DPI की, तो आप इसे लोएस्ट टू 50 से 8000 DPI तक इस्तेमाल कर सकते हो, और एक काफ़ी डिसेंट DPI दी गई है, और मुझे नहीं लगता कि 8000 DPI तक कोई गेमर इस्तेमाल करता भी है। और इसके साथ 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट है, 20,000 मिलियन क्लिक्स का क्लेम करते हैं, और जो स्विचेस हैं उन इसकी कंपनी के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया। आई थिंक फैंटेक के अपने ही जो स्विचेस हैं उनको यूज़ किया गया इस माउस में। और बाकी 20G का एक्स्ट्रा वेट है, और 8 मैक्रो की इसके अंदर इसको मेंशन किया गया है। बाकी जो ऑल ओवर जो माउस है वो फुली प्रोग्रामेबल है अपने सॉफ्टवेयर से। और अगर मेरी ओपिनियन की बात की जाए तो मैं इसे 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरा एडिटिंग के अंदर एक्सपीरियंस और गेमिंग में काफ़ी अच्छा है। अगर तो आप लिफ्ट अप करके माउस को यूज़ करते हो किसी PUBG गेम या कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह में, तो आपको इतना कोई एक्यूरेसी का जो इशू है वो नहीं देखने को मिलता। तो ऑल ओवर माउस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, क्लिक्स जो हैं वो काफ़ी स्मूद हैं, और ऑल ओवर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। बाकी अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस तकरीबन आपको देखने को मिलती है तकरीबन 3300 से 3500 के दरमियान में। तो प्राइस तकरीबन इस रेंज के अंदर आप लोग डिसाइड करोगे किस तरह की है, बाकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो था हमारा फैंटेक का X11 डेवल का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।